और द मेजरमेंट और द इंटरप्रटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि एक ऐटम uh, मॉलिक्यूल या आयन जो है वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्व करता है या उसको एमिट करता है ठीक है उसी का स्टडी जो है वो क्या कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है गाइज ठीक है तो गाइज एज यू नो दैट कि जब भी कोई ऐटम ठीक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब आप उसको कोई रेडिएशन देते हैं ना तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं ठीक है और जब क्योंकि देखो जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं ना तब वो इतने स्टेबल नहीं होते तो वापस वो अपने स्टेट में आते हैं ग्राउंड स्टेट जिसको कहा जाता है तब वो क्या करते हैं उन रेडिएशंस को एमिट वापस से एमिट करते हैं ठीक है सो दिस इज़ अंडर द स्पेक्ट्रोस्कोपी यही होता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं तो एब्जॉर्व करते हैं फिर वापस से अपने एनर्जी में आते हैं तो सॉरी अपने एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वापस क्या करते हैं लाइट रेडिएशंस को एमिट करते हैं तो वही इंटरप्रिटेशन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है ठीक है गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन द यू वी स्पेक्ट्रोफोटोस्कोपी ठीक है यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली चीज कि जो यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एब्जॉप एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती है ना उन्हीं का टाइप है ठीक है अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो उसके अंदर इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है ठीक है उसके अंदर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस आता है और एक आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है तो इट इज़ द टाइप ऑफ एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें क्या होता है जो यूवी वायलेट रिएजन रीजन जो होता है ना वो एब्जॉर्ब किया जाता है किसी मॉलिक्यूल के थ्रू है ना क्या करता है कोई मॉलिक्यूल वो यूवी रेंज यूवी रेंज ऑफ लाइट क्या होती है में, मतलब वो मेनली 180 टू 400 नैनोमीटर की जो रेंज होती है ना उस लाइट को एब्जॉर्ब करे कोई मॉलिक्यूल ठीक है और फिर वो रिजल्ट दे है ना फिर वो एक्साइटमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर मूव करते हैं तो उस समय वो किन रेडिएशन्स का एब्जॉर्बेशन करते हैं उनका वो वन टू फोर हंड्रेड नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस का भी यूज करते हैं सो इन दिस द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज व्हाट इट इज द एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यूवी वी रीजन ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और एक्साइटेड होते हैं ठीक है नाव कम टू द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द यू वी स्पेक्ट्रो ठीक है वी इसमें इसमें क्या होता है गाइस देखो सिंपल सा है कि ये लोग क्या करते हैं मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर जो एटम्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं सिंपली लाइट को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं है, है ना तो वही इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है और वही चीज़ जो है वो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट की जाती है ठीक है गाइज यहाँ पे एक और चीज़ देखो यहाँ मैं बताती हूँ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन की बात करें ठीक है इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने ट्रांजिशन पढ़ा हो तो आप लोगों ने बी एस सी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वहाँ पे ना अलग अलग ये ट्रांजेशन लेवल्स दिए हैं देखो पाई टू पाई ट्रांजेशन है ना एन टू एन का यहाँ पे मतलब जो है वो नॉन बॉन्डिंग से है ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ पे पाई है है ना तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ ट्रांजिशन का मतलब देखो क्या होता है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में है ना पाई बॉन्ड है ठीक है पाई बॉन्ड होता है या सिग्मा बॉन्ड होता है ठीक है और एक में कभी क्या होता है उसमें ना एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो उनका एक्साइटमेंट जैसे कि आप कि अगर पाई पाई इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो वो पाई ट्रांजिशन को ही जाए है ना जिसमें सिर्फ ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ पाई पाई ही बॉन्ड प्रेजेंट हो है ना एन की अगर मैं बात करूँ तो मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है ना उसमें नॉन बॉन्डिंग एटम भी प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा है ना अगर हम बात करें सिग्मा टू तो सिग्मा ट्रांजेक्शन की ठीक है तो सिग्मा में क्या होगा सिग्मा बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ठीक है और अगर हम एन या फिर इसकी बात करूँ मैं तो एन का मतलब तो वही होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कंपाउंड्स में ये ट्रांजिशन होगा जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और सिग्मा फैक्टर दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड दोनों ही ये दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से ट्रांजिशन चलता है गाइस अगर हम बात करें कि सिग्मा सिग्मा जो ट्रांजिशन है वो किस में होता है तो वो जनरली इथेन में देखा गया है क्योंकि इथेन में अगर आपको पता हो तो सी और एन के बीच में भी क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है और सी सी के बीच में भी क्या होता है सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इस तरह से उनमें जो ट्रांजिशन होता है वो सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होता है ठीक है तो ये इस तरह से यहाँ पर एक और चीज़ मैंशन की हुई है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैन एब्जॉर्व द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यू वी लाइट है ना वो यू वी लाइट के फॉर्म में क्या करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं एंड और एक्साइटमेंट मतलब एक्साइट होकर नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाते हैं ठीक है तो जो बेसिक अगर मैं बताऊँ कि बेसिक अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वही यही होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है यूवी लाइट का कोई केमिकल कंपाउंड उसको करता है एब्जॉर्व करता है एंड विल प्रोड्यूस द डिफरेंट स्पेक्ट्रा ठीक है वो डिफरेंट क्या करते हैं स्पेक्ट्रा को बनाते हैं ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द पार्ट्स ठीक है अगर हम पार्ट्स की बात करें कि यू स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके पार्ट्स के बारे में तो गाइज यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नीचे डायग्राम पे ठीक है देन वी विल कम बैक विथ दी पार्ट्स ठीक है सबसे पहले यहाँ देखिए आप कि लाइट चोर्स है ठीक है यहाँ पर लाइट चोर्स है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है ठीक है लाइट को यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉलीमेटर ठीक है कॉलीमेटर इज नथिंग बट दी अ लेंस कॉलीमेटर क्या है एक लेंस है है ना और क्या काम करता है तो ये इस जो लाइट्स होती है ना उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करने में सीधा उस बीम को करने में इस पर्टिकुलर लेंस का यूज़ किया जाता है ठीक है यहाँ ये जो कॉलीमेटर है उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है ठीक है तो प्रिज्म क्या करता है प्रिज्म जो है ना वो जो लाइट आ रही है उस लाइट को सेवरल वेवलेंथ वाली लाइट में कन्वर्ट कर देता है आप देखो यहाँ पर ठीक है बहुत सारी यहाँ से जब प्रिज्म से होकर अगर कोई लाइट पास होती है तो उसके स्पेक्ट्रास जो होता है ना वो क्रिएट करता है ठीक है उसके बाद क्या होता है गाइस कि यहाँ पे वेवलेंथ सिलेक्टर होता है है ना वेवलेंथ सिलेक्टर को आप स्लिट भी बोलते हैं ठीक है तो स्लिट में क्या करता है यहाँ पर ना लाइट सिग्नल्स का फिल्ट्रेशन होता है ठीक है उसमें फिल्टर होकर वो एक नैरो बैंड के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती है ठीक है उसके बाद यहाँ पे ना क्या होता है ये यह सिंपल यहाँ पे देखो कि सैम्पल सॉल्यूशन होता है तो वो ये यह जो यहाँ पे स्लेट्स के थ्रू जो लाइट पास होती है वो यहाँ से एमिट होती है और एब्जर्व कर ली जाती है और फिर जो लास्ट में डिटेक्टर होता है वो उसको डिटेक्ट करता है अब डिटेक्टर में के बाद यहाँ पे एक और चीज़ आता है दैट इज़ एम्पलीफायर है ना एम्पलीफायर भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है उससे क्या होता है एम्पलीफायर जो होता है उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है जिससे आपको क्या होता है बहुत इजीली और क्लियरली वहाँ पर रिकॉर्डिंग की की जा सके ठीक है और लास्ट में रिकॉर्डर होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है तो आई होप आपको ये ओवर समझ में आया हो कि लाइट सोर्स होता है गाइज है ना लाइट सोर्स के बाद यहाँ पर कॉली होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है फिर प्रिज्म होता है जो कि मल्टी वेवलेंथ रेडिएशन्स को जनरेट करता है फिर क्या होता है वेवलेंथ सिलेक्टर होता है ठीक है स्लीट वगैरह जो कि करता है फिर यहाँ पे आपका सैंपल डिटेक्टर होता है और लास्ट में वहाँ पे क्या होता है डिटेक्टर होता है डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर होता है ठीक है तो नाउ कम बैक विद दी पार्ट्स अब आपको ईजिली समझ में आएगा ठीक है तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना लाइट सोर्स तो लाइट सोर्स में वहाँ पे क्या होता है जनरली टंगस्टन फिलामेंट या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप्स का यूज किया जाता है ठीक है अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पे मेनली टंगस्टन फिलामेंट लैम्प या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्पस का यूज किया जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज मोनोक्रोमीटर है ना मोनोक्रोमीटर क्या है यहाँ पे गाइस तो वो प्रिज्म के बारे में ही बात की जा रही है ठीक है मोनोक्रोमीटर को ही प्रिज्म भी बोलते हैं तो प्रिज्म और स्लीट दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं मोनोक्रोमीटर बनाते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर्स होते हैं उनमें डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो होते हैं ठीक है देखो यहाँ पे मैंने बोला कि जो स्पेक्ट्रो फोटोमीटर्स होते हैं वो जनरली डबल बीम स्पेक्ट्रोस को आ, फोटोमीटर्स होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जो बीम सिलेक्ट होती है ना स्लीट से इज मोनोक्रोमेटिक है ना और वो बाद में जाके क्या करती है दो बीम्स को क्रिएट करती है ना तो यहाँ पे दो अलग अलग बीम्स का मतलब जो एक बीम होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ठीक है अब क्यों होती है देखो यहाँ नीचे मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर ये यह देखो सैंपल और रिफरे रिफरेंस सेल होता है ठीक है एक तो आपका सैंपल वाला क्यूबेट होता है और दूसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेंस सेल ठीक है तो आपको जो लाइट मतलब मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर वो बीम जो है वो दो में डिवाइड करनी पड़ेगी तो एक जो होगा वो रिफरेंस सेल के लिए और दूसरा जो होगा वो सैंपल सेल के लिए ठीक है ठीक है गाइस तो यहाँ पे ये था ठीक है अब हम बात करते हैं डिटेक्टर की ठीक है तो डिटेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो जनरली टू फोटो सेल सर्व द पर्पज ऑफ डिटेक्टर इन यू वी स्पेक्टर फोटोमीटर ठीक है यहाँ पर डिटेक्टर के लिए भी दो डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है देखो एक तो है जो कि आपके सैम्पल सेल को बीम्स जो है ना उसको रिसीव करेगा और दूसरा जो है वो आपके रेफरेंस जो वाला है ना जो रेफरेंस आपने यूज़ किया है उसके बीम्स को रिसीव करता है ठीक है और यहाँ अगर मैं डिटेक्टर की बात करूँगा तो जनरली जो डिटेक्टर होता है वो फोटो मल्टीप्लायर यूज़ किया जाता है ठीक है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है ना उसका यूज़ करते हैं एज ए डिटेक्टर इन द यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर ठीक है तो डिटेक्टर तो जनरली वही होता है ना जो डिटेक्ट करता है रिसीव करे जो बीम जो है सैंपल से आ रही है ठीक है उसको रिसीव करने का काम डिटेक्टर का होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि जो इंटेंसिटी होती है ना रिफ्रेंस सेल की रेडिएशंस की वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू द बीम ऑफ सैम्पल सेल ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज एम्पलीफायर कहीं यहाँ पे एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूँ तो एम्पलीफायर जो होता है ना वो क्या करता है एम्प्लीफाई करता है ठीक है और जनरली द करेंट जनरेटेड इन फोटो सेल इज़ वेरी लो इंटेंसिटी एंड द मेन पर्पज ऑफ द एम्पलीफायर इज़ टू एम्पलीफाई द सिग्नल मेनी टाइम्स सो दैट वी गेट द क्लियर और रिकॉर्डेबल सिग्नल्स ठीक है नाउ द रिकॉर्डिंग डिवाइस रिकॉर्डिंग डिवाइस में क्या होता है गाइस जनरली ये ना एम्पलीफायर से ही कनेक्टेड होता है ठीक है और अगर हम कंप्यूटर स्टोर डाटा जो होता है ना कंप्यूटर उससे कनेक्ट किया जाता है तो वो रिकॉर्ड कर लेता है सारी चीज़ें तो कंप्यूटर क्या करता है सारे जो डाटाज वगैरह होते हैं ना जो डिटेक्टर एम्पलीफायर से होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है और एक स्पेक्ट्रा के फॉर्म में आपको उस कंपाउंड के बारे में है ना सारी इंफॉर्मेशन देता है एक स्पेक्ट्रा उसमें क्रिएट होता है ठीक है अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की गाइस तो ये आपको है ना क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव जो डिटर्मिनेशन होता है स्ट्रक्चर का वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है ठीक है क्योंकि स्पेक्ट्रम यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देता है ठीक है so, सो इस तरह से पूरा ये मैकेनिज्म था गाइस कि कहाँ से क्या चल रहा था ठीक है पहले लाइट सोर्स लाइट सोर्स से फिर कॉलीमीटर कॉलीमीटर से प्रिज्म प्रिज्म से वेवलेंथ सिलेक्टर वेवलेंथ सिलेक्टर से सैंपल सोल्यूशन और फिर डिटेक्टर ठीक है नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ द यूवी वी स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है एप्लीकेशन बहुत सारी है गाइस ठीक है यहाँ पे आप देखें कि ये ऑब्जर्व करें मतलब कोई भी रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है ना तो उसको मॉनिटर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो रिएक्टन है जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशन्स को ऐब्जर्व कर सकते हैं तो आप एक केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे क्या कर सकते हो मॉनिटर कर सकते हो देखो गाइस दूसरी चीज़ ये कि आ, आपको पता है कि जो डी होता है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ठीक है डीएनए, तो अगर यहाँ पे उस प्रोटीन का पर्टिकुलरली क्या होता है चेंज अगर उसमें आता है पीएच हीटिंग को लेकर तो उस कंडीशन में अगर पीएच में चेंज होता है तो वहाँ पे वो है ना क्या होता है वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो टू नैनोमीटर की जो रेडिएशन है उसको एब्जर्व करता है तो इस तरह से आप डी को मॉनिटरिंग कर सकते हो ठीक है अगर हम नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप यहाँ पे ना देखो एब्जॉब्शन के बेसिस पर आप ये बता सकते हो कि उसमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी कितनी है तो आप यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ठीक है जो कि एक पिक है ना वो शो करता है तो यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उससे आप एक इम्प्योरिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हो गाइज यहाँ पे एक और चीज़ है कि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है है ना या फिर कोई आ, उसका मतलब वहाँ नहीं है कोई फंक्शनल ग्रुप तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो ठीक है तो इस हिसाब से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं ठीक है डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना जैसे एल हुआ कीटोन हुआ तो वो अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन्स को ट्रैप करते हैं ठीक है अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्वाल क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन आप यहाँ कर सकते हो पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स का ठीक है साथ ही साथ आप यहाँ पे ना मतलब जो आयनिक सोल्यूशन है उनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आप यहाँ कर सकते हो आ, उसके बाद यहाँ की देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की इतनी सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस है गाइस सो इसीलिए इसको एचपीएलसी टेक्निक में यूज़ किया जाता है ठीक है तो अगर हम बात करें वर्सटैलिटी ऑफ द यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बिन एडप्टेड टू डिटेक्ट डिटेक्शन इन दी एच पी एल सी टेक्निको ठीक है तो दिज आर एप्लीकेशन थी गाइस है ना यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस मेंशन की गई है ठीक है ओके सो so, हियर यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए है ना और अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन डायरेक्टली राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल आंसर फॉर दैट ओके सो थैंक यू